सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के साथ किया जाता है। आप जानते हैं, मैं अपने तमाम हिंदू भाइयों को बताना चाहता हूं कि अब उस शख्सियत का जिक्र करने का वक्त है जिसने अपने पेट पर पत्थर बांधे लेकिन भूखों को खाना खिलाया। उस शख्सियत का जिक्र करने का वक्त है जिसने यतीमों के सर पर हाथ फिराया। उस शख्सियत का जिक्र करने का वक्त है जिसने बेवाओं को इज्जत दिलाई। उस शख्सियत का जिक्र करने का वक्त है जिसने बेटियों की अहमियत समझाई। उस शख्सियत का जिक्र करने का वक्त है जिसने अपने मानने वालों को बताया कि तेरी माँ इसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है, अगर जन्नत तलाश करनी है तो अपने माँ के कदमों की खिदमत कर लेना। जिस शख्सियत का जिक्र कर रहा हूँ उसने अपने मानने वालों को बताया कि जो तेरा बाप है, ये बूढ़ा बाप तेरी जन्नत का दरवाजा है, अगर जन्नत में जाना चाहता है तो अपने बूढ़े बाप की खिदमत कर लेना। मैं बताना चाहता हूँ उस शख्सियत का जिक्र करना है जिसने अपने मानने वालों को हुक्म दिया कि वतन से मोहब्बत करना तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। तुम तब तक सच्चे पक्के मुसलमान नहीं हो सकते जब तक अपने वतन से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत न करो। आइए उस शख्सियत का जिक्र करते हैं जिसने अपने मानने वालों को कहा कि तेरा पड़ोसी अगर भूखा है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर तेरा पड़ोसी भूखा है तो तेरे पेट में जाने वाला एक एक निवाला तुझ पर हराम है। आइए ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत मोहसिन इंसानियत का जिक्र करते हैं। चार मिसरे पढ़ता हूं और एक शायर से मुलाकात कराता हूं। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना आप करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना आप करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। आइए वजह तखली के कुल कायनात मोहसिन इंसानियत का जिक्र करें और उसके लिए मैं आवाज दूं बंबई से तशरीफ लाने वाले मेहमान शायर जनाब असद बस्तवी को कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब असद बस्तवी। हजरत अमीर खुसरो वेलफेयर सोसाइटी के जेर एहतमाम आज का अज़ीम शान आल इंडिया मुशायरा, मेरी खुशकिस्मती कि आज इस अज़ीम शान आल इंडिया नातिया मुशायरे में नात पाक पढ़ने की सआदत मेरे हिस्से में आई। आइए हाज़रीन ग्रामी, नात पाक से कबल चार मिसरे पढ़ना चाहता हूँ और एक दरख्वास्त करता हूँ कि अगर शेर अच्छा लगे तो आप सुबहानल्लाह और माशाल्लाह की सदाएँ बुलंद करें ताकि आपके नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा हो। पेश करता हूँ बतौर खास। शुक्रिया हाजरीन ग्राम, इजाजत दें आप एक मतलब एक शेर से नातिया शायरी का आगाज करना चाहते हैं, इजाजत? बहुत शुक्रिया। दीवानो उठो एक काम करो और वो भी सुबह शाम करो, क्या कहना सुभानअल्लाह। दीवानो उठो दीवानो उठो एक काम करो और वो भी सुबह शाम करो, इस्लाम का परचम हाथ में लो पैगाम नबुवत आम करो, इस्लाम का परचम हाथ में लो पैगाम नबुवत आम करो। और अगला शेर अगर सच्चा हो तो आप मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। पेश करता हूं बतौर खास। दीवानो उठो एक काम करो और वो भी सुबह शाम करो, इस्लाम का परचम हाथ में लो पैगाम नबुवत आम करो। ऐ काश कभी आका कर ये ख्वाब में हमसे फरमा दे, ऐ काश कभी आका कर ये ख्वाब में हमसे फरमा दे, ऐ काश कभी आका कर ये ख्वाब
दें। ये दुनिया है, ये दुनिया है, यह चैन कहाँ, जन्नत में चलो आराम करो। ये दुनिया है, माइक खोलो, माइक खोलो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जन्नत में चलो। असद असद आधे मिनट के लिए रुक जाओ, बहुत सारे लोग इस सिलसिले में अगर नहीं बताया गया तो गुनाहगार हो सकते हैं। नाते पाक पढ़ी जा रही है, इस वक्त तालियां बजाने की कोई गुंजाइश नहीं है, तालियां ना बजाएं बल्कि सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करें, वाह वाह कह के शायर का हौसला बढ़ा सकते हैं और इस तरह से नाते पाक के अशार में शरीक हों। इस वक्त ताली बजाने की कोई गुंजाइश नहीं, नाते पाक के बाद आप पूरी तरह से आजाद होंगे, जैसे चाहे शायर का हौसला बढ़ाएं। असद बस्तवी अपने कलाम के साथ माइक पर। बहुत शुक्रिया आदरणीय ग्रामी, आइए नाते पाक से कबल चार में से और पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह एक मतला दो तीन शेर पढ़ता हूँ, पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए, पेश करता हूँ। यहाँ सिद्दीक, यहाँ सिद्दीक के जैसी सदाकत कायम हो जाए, उमर फारूक के जैसी अदालत कायम हो जाए, उमर फारूक के जैसी अदालत कायम हो जाए। सहाबा के अगर नक्शे कदम पर हम चले तो फिर, सहाबा के अगर नक्शे कदम पर हम चले तो फिर हमारी पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम हो जाए, हमारी कहना क्या कहना, सुभान अल्लाह असद बस्तवी हो जाए। बहुत शुक्रिया आदरण ग्रामी, आइए नाते पाक का एक मतला और दो तीन शेर और पढ़ना चाहता हूँ, पेश करता हूँ बतौर खास लहजा फरमाए इरशाद। ऐ रब्बे दो जहां मुझ पर भी ऐ नयाम हो जाए, रब्बे दो जहां मुझ पर भी ऐ नयाम हो जाए, रब्बे दो जहां मुझ पर के गुलामों में मेरा भी नाम हो जाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, गुलामों में मेरा भी नाम हो जाए। और नाते पाक का शेर भी बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाए, पेश करता हूँ इरशाद। मोहम्मद के गुलामों में मेरा भी नाम हो जाए, मुझे मरना यकीनन है, क्या कहना, मगर ये चाहता हूँ मैं, मुझे मरना यकीनन है, मगर ये चाहता हूँ मैं, मुझे मरना यकीनन है, मुझे मरना यकीनन है, मगर ये चाहता हूँ मैं, दयारे मुस्तफा में जिंदगी की शाम हो जाए, दयारे मुस्तफा में जिंदगी की शाम हो जाए। और नाते पाक का आखिरी शेर, अल्लाह करे कि एक पैगाम है इस शेर में, अल्लाह करे कि आज के इस मुशायरे के हवाले से पूरी दुनिया में पहुंचे, पेश करता हूँ इरशाद इरशाद पढ़िए। मोहम्मद के गुलामों में मेरा भी नाम हो जाए, मेरे आका की हर सुन्नत अमल में लाओ फिर देखो, मेरे आका की हर सुन्नत अमल में लाओ फिर देखो, मेरे आका की हर सुन्नत अमल में लाओ फिर देखो, मेरे आका
की हर सुन्नत अमल में लाओ फिर देखो जहां में हर तरफ इस्लाम ही इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।